आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। जैसा कि कल मैंने आपको दिखाया था, सेवा योजन कार्यालय में जो ई पास बनाए जा रहे थे, वहाँ पर इस तरीके की अव्यवस्था देखने को मिली। उस विषय को मैंने उठाया, तब जो है वहाँ कुछ इस समय कुछ लोगों को सहूलियत मिली, और उसी क्रम में अभी अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई कि जो है मजदूर काफ़ी संख्या में इकट्ठे हैं, उनके पास व्यवस्था नहीं है। तो जैसे ही मैं अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ, ये जो हजरत बेगम महल पार्क है इसके पास, तो वहाँ पर अभी आप देखिए कि अब एक गाड़ी आई है। तो फिर अभी हम रुक करके आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या पोजीशन है। तो नव के परिवर्तन चौक के पास हजरत बेगम महल पार्क के पास खड़ा हूँ, और यहाँ पर भारी संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं, जो कि दुर्गा मंदिर गीता परिवार की तरफ से यहाँ पर भोजन वितरण किया जा रहा है। मजदूर जो फंसे हुए हैं उनको खाना खिलाया जा रहा है, तो ये भी एक नेक कार्य है। लेकिन अभी शासन प्रशासन से कोई इस तरीके की सुविधा मुहैया नहीं हो पाई है, जिससे ये मजदूर अपने अपने घर पहुँच सकें। यहाँ पर प्रशासन भी लगा हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके, इसलिए शासन जो है ये तो देख रहा है, लेकिन उनके आने की जाने की क्या व्यवस्था होगी, इस पर अभी एक सवाल बना हुआ है। तो हम कहेंगे दिखाइए गीता परिवार की तरफ से जो भोजन वितरण किया जा रहा है वो दिखाएं, कि यहाँ पर सभी लोगों को किस तरीके से भोजन दिया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए। चलो साइकिल आगे खड़ी कर लो, तब ले लेना। जाओ सर, कौन ले कानपुर से चला आ रहा है। बोले में रहिए सभी, मेरे मतलब का एक भी बोले में रहिए। गोले में रही ना, गोले बाहर मत हो ना, अपना गोला छोड़े तो जानो भोजन गया। और एक जगह तुम लोग बैठने लगे क्यों, एक जगह बैठने लगे, चलो उठो उठो एक जगह से। कहाँ से आए हो? जिला बस्ती पड़ता है। जिला बस्ती से? तो यहाँ लखनऊ में कैसे? बस घर से निकाले हुए, मांग के घर है। तो घर से कहाँ से, यहीं कर रहे थे काम? कहाँ, गल्ला मंडी में ताली चलावा ताली। देखिए गल्ला मंडी में ताली चलाते थे, लेकिन इस समय इनकी मजबूरी है कि ये फंसे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन जहाँ भी खाना वितरण हो रहा है वहाँ इस तरीके की लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। देखा परिवर्तन चौक पर जिस तरीके से मजदूरों की लाइन लगी है, तो इसमें प्रशासन की एक कड़ी चुनौती और ये भी है कि अपना उन्हें लॉकडाउन का पालन भी कराना है, ड्यूटी भी देनी है, उसके साथ साथ इन्हें ये भी देखना है कि जहाँ कहीं भी इस तरीके से मजदूर इकट्ठे हो रहे हैं तो उनका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जा सके। तो इस तरीके से प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन मजदूरों का आने का जाने का प्रबंध कैसे होगा। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए।